नवी मुंबई आवाज और रफी स्पैंगलम्बे प्रेजेंट्स नवी मुंबई आइडल। अभी हमारे बीच आ रहे हैं बच्चों के ग्रुप से। कौन आ रही है? गौरी गड़दे। ऐसे वो दो बाल्टी पानी का भर के आते वैसे आ रहे हो एकदम चल चल के। मुझे लगा कुछ ऐसे मने 3D फॉर्म में कुछ ऐसे बाल्टी उठा लिए दो हाथ में दो। हाँ इधर आइए। क्या हुआ? कुछ नहीं। मैंने जोकर जैसा दिख रहा हूँ क्या? जोकर जैसा नहीं। फिर क्यों हंस रहे हो? ऐसे ही। ऐसे मुझे लग, इसकी मम्मी है क्या यहाँ पे? किधर है ये? सुबह उठती हंसती है क्या और रात को सोते समय भी हंसती है? अच्छा हंसा दी जाती है। देखो क्या बोले अभी? अच्छा गाना क्या गा रहे हो अभी? मेरा नाम चिंचिंजू। नाम चेंज भी कर लिया? हाँ। क्या बात है। ट्रैक लगाइए इसका प्लीज। मेरा नाम चिंचिंजू।
चू 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 सिंध बाद भी से लड्डू मेरा नाम चिन चिन चू चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू रत चांदनी में और तू हेलो मिस्टर हाउ डू डू मेरा नाम चिन चिन चू चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू रत चांदनी में और तू हेलो मिस्टर हाउ डू डू बाबा क्या बात है। घर में डैडी को क्या बोलते हो? कभी कभी पापा बोलती हूँ, कभी कभी डैडा बोलती। इसके लिए आपको बाबा बोलने में थोड़ी तकलीफ हो गई क्या गाने में? अभी कल से बाबा बोल देना डैडी को। ओके। आइए सुनते सर क्या कहते हैं। बच्चा आप ट्रैक को सुने नहीं? यस सर। तो आई थिंक आपका स्केल का भी थोड़ा सा इशू था, तो ये वापस सबको हम बता देते हैं कि स्केल अपना स्केल जोन कम पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अभी आपके अपने गाना अच्छा गाया, मतलब अगर अगर आपका ये ओरिजिनल अपने स्केल थोड़ा सा लो किया होता ना, आपका ये गाना बहुत फर्स्ट क्लास होता। आपने परफॉर्म अच्छा किया, लेकिन थोड़ा सा स्केल का इशू हो गया, क्योंकि ट्रैक कहीं और बज रहा था, आपने गाना कहीं और शुरू किया। ठीक है, तो वो सर आपको बता देंगे कि मतलब जब प्रैक्टिस सेशन रहेगा तो स्केल्स में आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और सुरों का रियाज करो और अच्छे अच्छे गाने गुनगुनाते रहो, मस्ती में गाते रहो। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। अच्छा, ये गाना आपने खुद चुना था? हाँ। ये ट्रैक भी आपने चुना था? ये सर को सुना के दिखाया था इस गाने इस ट्रैक के ऊपर? यस। तो उस टाइम सुर में गाया था, इस स्केल में गाया था? हाँ, स्केल में तो गाया था, सिर्फ वो बाबा में थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि लाउड हो रहा है, बट आज थोड़ा स्केल में गड़बड़ हो गया। टोटल राइट फ्रॉम बिगनिंग पूरा गाना आप ड्यूटून नीचे गा रही थी, तो ये अभी पहले गाया था, क्या बोलेंगे? मतलब मुझे ऐसे लगता है कि कोई नए गाने ये लोग लेते हैं तो इमीडिएट वो तैयार नहीं होते, शायद इनको कुछ टाइम उसको नहीं, गाना प्रिपेयर करना अलग बात है, ये टोटल स्केल में गा सकना भी एक होना चाहिए, उसकी कैपेसिटी उस स्केल में नहीं करे, पूरा गाना ड्यूटून चल रहा है, वो ऐसा मजा नहीं आता ना। ऐसा गाना चुनो जो आपके स्केल के हिसाब से आप कंफर्टेबली गा सकते हो। okay, ऐसा ही गाना आपको चुनना पड़ेगा, अदरवाइज कितना भी अच्छे आप सिंगर हो, अगर मैं भी हम लोग गाने के लिए खड़े हो जाए ऊपर की स्केल दे जो हमारी रेंज में है ही नहीं, तो हम तो फ्लॉप हो जाएंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। या फिर एक ट्रैक दूसरा कोई बाद में जो उसके, हाँ, नर्वस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक की रेंज होती है, कैपेसिटी होती है, उसके ऊपर वो नहीं जा सकता है, वो कितना भी अच्छा सिंगर हो, राइट? जगजीत सिंह साहब के स्केल में सुखविंदर सिंह नहीं गा सकता, और सुखविंदर के स्केल में जगजीत सिंह साहब नहीं गा सकते, तो हर एक का रेंज का कैपेसिटी होती है, उसी कैपेसिटी में वो गाता है। तो ये पहले चुनो आप ये गाना, अगर हो सके तो सर को बताओ कैसे उसको एडजस्ट अभी कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर बोल रहे कि आपने ये गाना उस स्केल में गाया था तो तब तो आज पूरा गलत हुआ है ना। Yes. लेकिन बेटर होने के चांसेस है, आप डरो नहीं, नर्वस नहीं होना है, इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या बात है बेटा, बहुत है, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। ओके, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। संजीव सर आप कुछ कहेंगे? इस बच्चे ने गाना काफी अच्छा गाया है, और सबसे मेन बात के किधर भी कोई इतने डिफिकल्ट वर्ड थे इसके अंदर, जैसे सिंदबाद द सेलर वगैरह, लेकिन कोई भी ये बच्चे ने कोई वर्ड चुका नहीं है। ठीक है, थोड़ा जो म्यूजिक का स्केल कम ज्यादा रहेगा, लेकिन इतना पुराना गाना और उसके बाद इतने एक भी वर्ड इसने गलत नहीं गाया, तो मैं मेरी तरफ से तो अप्रिशिएट करूंगा। थैंक यू सर, क्या बात है। देखो एक तरफ ठंडा माहौल है और एक तरफ गर्म माहौल है, पता नहीं क्या बनने वाला है, पकने वाला है, पता नहीं, देखते हैं। कल दोपहर को हम लोग रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे सेकंड राउंड के, जो 46 कंटेस्टेंट हैं उसमें से कितने लोग थर्ड राउंड में जा रहे हैं। लेकिन सुनील ऐसा मत होइए, सभी बच्चे मुझसे प्यार करते हो ना? यस। मैं सभी प्यार से बात करता हूँ ना, हाँ, आपका अच्छा होने चाहिए, इसलिए मुझे मेरा भी दिल जलता है ना, आप मेरी बेटी जैसे हो ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मुझे खड़ूस मत समझना। ये सभी बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे मालूम है, मैं सबसे करता हूँ, आई लव यू ऑल। ये इफेक्ट सारा थीम का है, जो हमने फर्स्ट टाइम इस तरह का, मैंने एक रियलिटी शो जैसे होता है वैसे हमने नवंबर आइडल को प्लान किया है, वही इफेक्ट है, क्योंकि मैंने देखा है कि जो राइजिंग स्टार्स है, अपकमिंग सिंगर्स है, वो अपने
मैंने खुद को जो अच्छे लगते हैं वही गाने तैयार करते हैं हमेशा। उनको पता नहीं होता कि अलग अलग कॉम्पिटिशन्स की डिमांड क्या है या रियलिटी शोज में आपको किस तरह से तैयारी करनी है। शायद इस तरह का प्लेटफॉर्म हम लोग अगर देते रहे इन बच्चों को तो ये लोग आगे चल के बड़े बड़े रियलिटी शो के लिए आप लोग तैयार हो सकते हो। सो कीप प्रैक्टिसिंग, ओके सर, लेकिन पढ़ाई भी करो। हाँ, नहीं तो मम्मी आ जाएगी डंडा लेके घर पे मेरे, बोलेंगे सुनील सर ने बोला सिर्फ गाने की प्रैक्टिस करो, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है, पढ़ाई भी उतनी भी करनी है। थैंक यू। नवी मुंबई आवाज और रफीस फैन क्लब मुंबई के इस स्पेशल एपिसोड में मैं आपका फिर एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ और अगले कंटेस्टेंट को मैं बुलाता हूँ स्टेज पे। कृतिका दास आइए स्टेज पे। और जैसे मैंने बताया ये नवी मुंबई आइडल फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, नवी मुंबई आवाज और रफीस फैन क्लब मुंबई इनके ज्वाइंट वेंचर से, जिसके टोटल 6 राउंड्स है। ऐसे नहीं करते कभी भी, आप प्रोफेशनल सिंगर हो ना, है ना, कभी ऐसे नहीं करना है, कभी फूकना नहीं है, कुछ नहीं, आप सिर्फ स्टेज पे आइए, हाँ यहाँ पे आइए, उसके बाद आपका बैच पहले सेट कीजिए, उसके बाद आप माइक को सिर्फ ऑन कीजिए और पकड़िए, बाकी कुछ नहीं करना है आपको, ओके। हाँ अभी बताइए आप क्यों हंस रहे हो, ये सारे बच्चे हंसी मजाक करते लगते हैं। अभी क्या है, तबला बजा रहे हो ऐसे, हाँ क्या परफॉर्म कर रहे हो आज, कमली, ये किसी बॉलीवुड सितारे से कम नहीं लग रही है ना, बराबर ना, कमली परफॉर्म कर रहे हो, ट्रैक लगा दूं, आप एकदम कॉन्फिडेंट हो, बोलिए मैं नवी मुंबई आइडल जीत के रहूंगी। आई वांट टू बी अ नवी मुंबई आइडल। इसको स्पेशल ट्रेनिंग देके मम्मी ने भेजा है लगता है। ओके मैं उठी आया रे बना बांगी हर कमली
कौन से चक्की का आटा खाते हो? कुछ स्पेशल ब्रांड है क्या यूएसए वगैरह? नहीं, इंपोर्ट नहीं होता है ना? श्योर श्योर? आपकी एज 7 है ना? 7 है? मुझे तो सर भी बोलना नहीं आता था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। थैंक यू। तो बहुत प्यारी हो आप, हंसती हो बहुत, हंसती ऐसी हंसती रहा करो। और फर्स्ट क्लास आपने गाया, बहुत अच्छा गाया आपने। थैंक यू। ठीक है, आप क्या सीखी हुई हो? आप सीखती हो? हाँ। कहाँ पर सीख रही हो? मैं गंधर्व निकेतन में सीखती हूँ और आयरोली में रॉक म्यूजिक। रॉक म्यूजिक, क्या बात है। लाइट म्यूजिक। गुड, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बेटा आपका जो वेट है ना अपना, उससे 10 गुना वेट आपके आवाज में है। जिस वेट की मैं हमेशा बात करता हूँ ना, मुझे ये वेट चाहिए गाने में, गाने की जो डिमांड है ना, उतना वेट अपने वॉइस में होना चाहिए, उस वेट से थ्रो होना चाहिए गाने का। आपने बहुत बहुत अच्छा गाया, बहुत, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। संजीव सर, देखिए कैसे कैसे टैलेंट है अपने यहाँ पे। तो मुझे इस बात की खुशी है जो मैंने चैनल स्टार्ट किया है, ताकि नवी मुंबई में जो टैलेंट है वो लोगों को तो दिखाई दे। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि बहुत ही जल्दी पूरे बॉम्बे में भी हमारा चैनल स्टार्ट होगा, तो अब उल्टा होगा कि नवी मुंबई के बच्चे बॉम्बे वाले देखेंगे क्या बात कि हम किसी से कम नहीं। सुपर। मुझे भी एक चीज अच्छी लगी आपकी, कहीं कहीं पे आपको लग रहा था कि अभी गाना मेरा छूट जाएगा ना, बट पूरा स्ट्रेस लेके आप उसको परफॉर्म कर रहे थे, है ना? ये तो अच्छे अच्छे सिंगर में ये नहीं देखने मिलता कभी कभी, बट सुपर, हैट्स ऑफ, थैंक यू। नवी मुंबई आवाज और रफी स्पैंड मुंबई प्रेजेंट्स नवी मुंबई आइडल। जिंदगी गले लगा ले